वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, हमारे ही बॉडी से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, आवाज क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? ओके, सो चलो टॉपिक की शुरुआत है कि एनिमल्स एक्यूमुलेट, एनिमल जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, देन उसके साथ सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट जैसे आयन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन जैसी चीजों को एनिमल्स एक्यूमुलेट करते हैं, जिनको टाइम टू टाइम कंप्लीटली या पार्शियली रिमूव करना जरूरी होता है फॉर दी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और टू मेंटेन दी होम्योस्टेसिस। ओके, ये शुरुआत है, एंसाइटी में बाद में आएंगे, पहले उस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो पहले ये समझते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है और वो बनते कैसे हैं। लाइन क्या है एंसाइटी की? कि अलग-अलग जो एनिमल्स हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, देन पानी को, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट जैसे आयंस। इसमें कुछ चीजें मिसिंग है जो मैं ऐड कर दूंगा, एनसीईआरटी में कुछ चीजें मिसिंग है जिस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो देखो भाई, ये चीजें क्यों एक्यूमुलेट हो रही है? एक्यूमुलेट होने मुझे साथ से नहीं, बॉडी में दे, ये चीजें बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है आइदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आइदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स में जो रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है, और ऐसे अलग अलग रिएक्शन से ये चीजें जनरेट होती है जो कि वेस्ट है, जिनको बॉडी में हम एक्यूमुलेट नहीं होने दे सकते, जिनको हमें टाइम टू टाइम रिमूव करना जरूरी होता है। और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से ही वेस्ट जनरेट होता है ऐसा नहीं है। बहुत सी बार हम चीजें एक्सेस खा लेते हैं, एक्सेस पी लेते हैं तो वह भी वेस्ट है। जैसे कि आपने बहुत सारा पानी पी लिया तो पानी तो वेस्ट नहीं है, पानी यूजफुल है। हर बॉडी के हर एक्टिविटी में पानी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल होता है। फिर भी पानी अगर ज्यादा अंदर ले लेते हो तो आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, वाटर इंटेक अगर बढ़ जाए तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। मतलब जो ज्यादा एक्सेस वाटर आपने अंदर लिया है वो क्या है? वेस्ट है। तो एक चीज समझ लो कि हर बार वेस्ट जनरेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ही नहीं होता है, बहुत बार वो एक्सेस इंजेशन से भी होता है। मतलब जो चीज उसकी जरूरत से ज्यादा ली जाए वो वेस्ट है। ओके, जैसे कि पानी, यानी हाफ या पॉइंट पर क्वेश्चन फ्रेम हो तो हाफ पॉइंट एनसेरेटिक पन है। तुम्हें बगून गया, पहला दोन ते तीन लाइन, पेज नंबर आई थिंक 260 पे होगा वो। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उससे जनरेट हुए होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर एक्सेस इंजेशन, खूब जास्त प्रमाणात तुम्ही पानी पाहिले, खूब जास्त प्रमाणात एनएसीएल तुमच्या बॉडी मध्ये गेले, तर ये आयन्स भले ही यूजफुल हो आपके बॉडी के लिए नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में, लेकिन वो अगर एक्सेस लिए जाए तो वहां पे क्या होता है, वो वेस्ट बन जाते हैं और उनको रिमूव करना जरूरी होता है अगर बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग मेंटेन करनी हो, अगर बॉडी का होमियोस्टेसिस मेंटेन करना हो। होमियोस्टेसिस हा शब्द बऱ्याच देतो, काय असतो होमियोस्टेसिस? होमियोस्टेसिस इज द मेंटेनन्स ऑफ कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट। आपल्या बॉडीचं इंटरनल एन्व्हायरमेंट जे आहे ते कॉन्स्टंट राहावं आपल्या सराउंडिंग मध्ये, एक्सटर्नल ऍटमॉस्फिअर मध्ये काहीही चेंजेस झाले तरी। जैसे कि समर में टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए या विंटर में कितना भी कम हो जाए, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, वो सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। इसे ये होम्योस्टेसिस का ही एक एग्जाम्पल है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन द सराउंडिंग एटमोस्फियर, आवर बॉडी ट्राइज टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट, एंड दिस इज द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस है तब तक हेल्थ है। अगर होम्योस्टेसिस में डिस्टरबेंस आ जाए तो आप बीमार हो जाते हो, आप डिसीज्ड हो जाते हो वहां पे, आपको कोई ना कोई, या फिर कोई भी बीमारी। मतलब क्या? तो उसका डिसीज के अलग अलग डेफिनेशन है, उसमें से एक डेफिनेशन ये भी है कि डिस्टर्बेंस इन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। और भी बहुत सारे डेफिनेशन है डिसीज के, तो उसमें से एक डेफिनेशन ये भी है कि आपके बॉडी का होम्योस्टेसिस
डिस्टर्ब हो जाना, कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट इंटरनल एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाना, इसे डिसीज कहते हैं। तो बॉडी का नॉर्मल हेल्थ मेंटेन करना है तो जो चीजें आपके बॉडी में अनवांटेड चीजें आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है उनको क्या करना है, टाइम टू टाइम रिमूव करना है, आइदर कंप्लीटली और पार्शियली, तो ही आप हेल्थ मेंटेन कर पाओगे। आता मैं थोड़ा सा एन्झायटी का बाहेर जातो, कारण एक खूप पूर्वी एक क्वेश्चन विचारला गेला होता, तो क्वेश्चन मला इथं क्लियर करायचा आहे। नोट्स मध्ये ते एन्झायटी सगळे पॉइंट्स ऍड करून दिलेले आहेत, नोट्स याच्या नंतर लगेच व्हॉट्सअप ग्रुपवर सेंड होऊन जाईल, अपलोड होऊन जाईल ग्रुप लेक्चर संपल्यानंतर लगेच। तुम्ही फक्त इकडे लक्ष द्या, काय एन्झायटीच्या बाहेरचा पॉइंट सांगतोय मी, ये सपोज आप हो, ओके, हमारे में हर कोई जो है वो जिंदा रहने के लिए क्या खाता है, फूड खाता है। और आप सबको पता है कि आपके फूड का, आप कुछ भी खा लो, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो एनीथिंग, आपके फूड का मेजर जो बल्क है 90% से भी ज्यादा जो कंटेंट होता है फूड का, वो कार्बोहाइड्रेट मीन शुगर्स, प्रोटीन्स और फैट से बनता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट से बनता है। तो आपने खाया हुआ जो खाना है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट मिले हैं उनको एब्जॉर्ब करके डाल दिया जाता है, किसमें, ब्लड में, हमारे ब्लड में उसे डाल दिया जाता है। ब्लड क्या होता रहता है, ब्लड एक जगह पे रुका है क्या, नहीं, ब्लड हमारे बॉडी में हर तरफ सर्कुलेट हो रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब किए हुए इन न्यूट्रिएंट्स को लेके या फार महत्वाचा कॉन्सेप्ट है, जरी टॉपिक मध्ये डायरेक्टली एक्सप्लेन केलेला नसेल तर याच्यात तुमच्या बऱ्याच गोष्टी क्लियर होतात। नीट लक्ष द्या, ब्लड जो है वो ब्लड हमारे पूरे बॉडी से बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। तो उसने क्या किया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ये न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लड हमारे बॉडी में हर तरफ सर्कुलेट हो रहा है, और हमारे बॉडी की जो अलग अलग सेल्स है, जैसे कि मानो पैरों के मसल्स है या फिर स्किन के सेल्स है, बोन के सेल्स है, इन सारे सेल्स को इन न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है अगर जिंदा रहना है तो। क्योंकि किसी भी सेल को जिंदा अगर रहना है तो उसको एटीपी या एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी किससे मिलेगी, एनर्जी फूड से मिलेगी, और फूड जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट किया हुआ फूड जो है उसके न्यूट्रिएंट्स डाले गए ब्लड में, ब्लड हर आपके बॉडी में हर तरफ घूम रहा है, और हर तरफ घूमने के बाद ये जो ब्लड है ये आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं, कुठल्या पण सेल्स, त्या ब्रेनच्या असतील त्या मसल्स असतील, या सेल्सला हे वेगवेगळे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड केले जातात। तो सेल क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट को स्टोर किया जाता है। प्रोटीन के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक ही प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे है। हा जो टॉपिक आहे हा नायट्रोजिनस वेस्टच्या रिमूवलच्या संदर्भात आहे। मी एवढं बाहेरचं कॉन्टेंट का सांगतोय, कारण मला तुम्हाला एक शब्द समजून सांगायचा की एक्सक्रिशन म्हणजे काय, आणि त्याच्यावरच एक क्वेश्चन फ्रेम झाला होता, तर तो क्वेश्चन ऐकल्यानंतर तुमच्यापैकी भरपूर जण सरप्राईज होणार आहे, कारण त्यांचा तो मिसकॉन्सेप्ट असणार आहे जो की आज क्लिअर होईल। तर कार्बोहायड्रेट जे असतात, कार्बोहाइड्रेट में सबसे कॉमन फॉर्म या जो यूज होता है एज सच, वो फॉर्म होता है ग्लूकोज, C6H12O6। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट जो है इनको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज कर दिया। उससे क्या बना, उससे तीन चीजें बनी, एक होता है CO2, दूसरा होता है वाटर, और तीसरे होते हैं ATP। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है वाटर, और तीसरा होता है एटीपी। जब हम रिस्पायरेशन टॉपिक पढ़ेंगे प्लांट में तब ये सब कुछ डिटेल होगा, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में काफी कुछ आप इससे रिलेटेड पढ़ोगे, उसमें ये रिएक्शन डायरेक्टली रिस्पायरेशन में होगा आपका कवर। अब मुझे सिर्फ इतना बताना है कि कार्बोहाइड्रेट, तुम्ही जो ऑक्सिजन घेता है एटमॉस्फेअर मधला, तो लागतोय कशासाठी, या कार्बोहायड्रेटला तोडायला। कार्बोहायड्रेट तुटून काय बनत आहे, कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर, हा तोच कार्बन डायऑक्साइड पोरांनो जो तुम्ही एक्झेल करताय, हा तोच कार्बन डायऑक्साइड जो प्रत्येक श्वासामध्ये तुम्ही बाहेर फेकताय, आणि हा तोच ऑक्सिजन आहे तो तुम्ही ऍटमॉस्फिअर मधून घेताय। तुम्ही घेतलेला ऑक्सिजन ऍटमॉस्फिअर मधून लंग्स मध्ये, लंग्स मधून ब्लड मध्ये, ब्लड मधून प्रत्येक सेलकडे, सेलकडे का, कारण सेल मध्ये ब्लड मधून हा कार्बोहायड्रेट आलाय, त्याला ब्रेक करायचं, उसको ऑक्सिडाइज करना है। कार्बोहायड्रेट
ओटीपी मिल गए, लेकिन गाडीत टाकलेल्या पेट्रोल पासून किंवा डिझेल पासून ऑब्झर्व करा, कोणतंही फ्युल ज्या वेळेला तुम्ही मेटाबोलाइज करता, ज्या वेळेला तुम्ही ब्रेक करता, तर त्याच्यापासून एनर्जी मिळते, तसं तिथं वेस्ट पण जनरेट होत असतं. जसं गाडीच्या सायलेन्सर मधनं धूर निघतोय, तो का निघतोय, कारण डिझेल आणि पेट्रोल ब्रेक झालं, त्याच्यापासून गाडी पुढे पळते पण मागे धूर सोडती. ते धूर जसा गाडीत बनतोय, जसं ते वेस्ट तिथं बनतंय, अगदी तसंच इथे तुमच्या सेलमध्ये हा धूरच आहे, हे वेस्टच आहे. कोण? सीओ टू आणि एच टू. हा सीओ टू आणि एच टू काय केला जातो, सेल एटीपी वापरून घेते. हा सीओ टू आणि एच टू प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, सेलचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करून ब्लड मध्ये येतात, ब्लड मधनं लंग्स मध्ये जातात आणि लंग्स त्याला एक्सेल करतात. महत्वाचा पॉइंट आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन क्रॉस केलेली आहे. सेकंड, तुमच्या बॉडीतला फॅट नॉर्मली तर स्टोअर केला जातो, नॉर्मली तुमच्या बॉडीचे जे ऍडिपोज टिश्यू आहे तर ते फॅट स्टोअर करून ठेवतात. लेकिन आप एक चीज नोट करो कि आपको अगर खाना नहीं मिलता है, कुछ दिनों तक भी खाना नहीं मिला तो भी आपकी बॉडी सर्वाइव कर जाती है, तब वो एनर्जी कहां से आती है हर दिन की जरूरतों के लिए, तो वो आपके स्टोर्ड फैट से आती है. तो बॉडी को अगर कार्बोहाइड्रेट ना मिले, तो ये जो फैट हर रोज स्टोर हो रहा है, ये फैट बॉडी ले लेती है, अलग अलग सेल्स उस फैट को लेके फैट को ब्रेक डाउन कर देते हैं. फैट ब्रेक डाउन करने के बाद फैट से भी एटीपीज बनेंगे, लेकिन जो अल्टरनेटिव वेस्ट है उसमें इन CO2 या H2O की जगह कीटोन बॉडीज बनते हैं. क्या बनते हैं? कीटोन बॉडीज बनते हैं. ये कीटोन बॉडीज फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके ब्लड में आएंगे, ब्लड से एक तो किडनी में जाएंगे और यूरिन से एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे, या इसमें से कुछ लंग्स में जाके एक्सहेल कर दिए जाएंगे. दो जगह से एक्सक्रीट होते हैं कीटोन बॉडीज. फैट ब्रेकडाउन का वेस्ट क्या है? कीटोन बॉडीज है. ये कीटोन बॉडीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके कहां पे आ रहे? ब्लड में आ रहे, और ब्लड में आने के बाद एक तो लंग्स में जाके एक्सहेल किए जा रहे हैं या किडनी में जाके यूरिन से एक्सक्रीट कर दिए जा रहे हैं. पॉइंट क्या नोट करना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस किया है. ओके, तीसरा जो ऑप्शन था उस एमसीक्यू का जो मुझे बताना है, देखो ये आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है, कंप्लीटली आउट ऑफ नहीं है. हमारे जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज फॉर्म होने के बाद 120 दिन तक जिंदा रहते हैं. 120 डेज के बाद ये आरबीसीज जाते हैं कहां पे? स्प्लीन नाम के एक ऑर्गन में. कहां है स्प्लीन? तो यहां है स्प्लीन. कहां पे जा रहे हैं? ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम फिर से एनसाइटी पे शिफ्ट हो जाएंगे. देखो भाई ये क्या है? ये लीवर है. ओके, सबसे बड़ी ग्लैंड है ये हमारे बॉडी की. 1.2 टू 1.5 केजी का लीवर होता है नॉर्मल, या एक हाथ में उठा नहीं सकते हो आप लीवर को. लीवर पकड़ने के लिए भी, जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपका वायवा होता है और वायवा में आपको अगर लीवर दिया गया है तो उसको उठाने के लिए भी आपको दो हाथों की जरूरत होती है. इतना बड़ा ये ऑर्गन है, इतनी बड़ी ये ग्लैंड है, इमीडिएटली डायफ्राम के नीचे होती है. तो ये है भाई लीवर. ये क्या है? स्टमक है. ये क्या है? स्टमक है. स्टमक के इमीडिएटली पीछे ये जो ब्लूश कलर का दिख रहा है, दिस इज द स्प्लीन. ये क्या है? स्प्लीन है. स्प्लीन का जिक्र बार बार आता रहेगा, इस टॉपिक में भी आया है, हेल्थ एंड डिसीजेस में भी आएगा, उसके बाद सर्कुलेशन के वक्त भी आएगा. तो स्प्लीन बार बार आएगा. बता रहा हूं कि स्टमक के पीछे ये जो ऑर्गन दिख रहा है, दिस इज द स्प्लीन, और ये लीवर. दोनों ठीक से देख लो क्योंकि दोनों का अभी जिक्र होने वाला है. होता क्या है, आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहे, उसके बाद वो आरबीसी जो है वो स्प्लीन में जाते हैं, और स्प्लीन के बारे में एक एमसीक्यू आप में से हर एक को याद होगा, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. आरबीसी की ती स्मशान भूमि क्यों, क्या मतलब, तला की कब्रिस्तान के जैसा है वो स्प्लीन. आरबीसी के कब्रिस्तान के जैसा है, मतलब वहां पे आरबीसी 120 दिन के बाद जाते हैं और मर जाते हैं. स्प्लीन मध्ये गेलं तर मग आरबीसी च्या आत्मा दिसतील का आपल्याला? काय वाटतं तुम्हाला, दिसतील आत्मा? तर हे जे स्प्लीन आहे, इट इज जस्ट लाईक ग्रेव यार्ड, म्हणजे कब्रिस्तान सारखा आहे ते. कोणाच्या? आरबीसी च्या. मग आरबीसी तुटली पोरांनो, तर आरबीसीत कोण आहे बसलेलं? कोण आहे ते? हिमोग्लोबिन आहे. हा हिमोग्लोबिनच काय होईल? आरबीसी तो तूट गया, ही एचबी का क्या होता है, हिमोग्लोबिन का क्या होता है? हिमोग्लोबिन स्प्लीन से लाया जाता है लिवर में. हिमोग्लोबिन कहां पे आया? लिवर में. और लिवर के जो सेल्स होते हैं भाइयों, उनका नाम होता है हिपैटोसाइट्स. क्या नाम है? हिपैटोसाइट्स. लिवर च्या सेल्सला हिपैटोसाइट्स म्हणायचं. आणि हिपॅट हा शब्द कधी पण आला की तिथं काय असतं? लिवरच्या संदर्भात वापरला जातो. ओके, तो ये जो कौन है, ये जो हिपैटोसाइट है, उसके अंदर इस एचबी को तोड़ दिया जाता है दो हिस्सों में. ये पॉइंट कंप्लीटली एनसीईआरटी के अंदर का है, सिर्फ इस टॉपिक में नहीं है. तो मैं एक बार लीवर बड़ा बना लेता हूं. देखो ये लीवर है
और ये उसका हिपेटोसाइट है। हिपेटोसाइट में आया हुआ एचबी ब्रेक कर दिया जाता है बिलीवर्डीन में और बिलीरुबिन में, बिलीवर्डीन एंड बिलीरुबिन। एक्चुअली एचबी से बिलीवर्डीन बनता है, बिलीवर्डीन से बिलीरुबिन बनता है, ये भी एमसीक्यू है। लेकिन ये सारे पॉइंट्स में सर्कुलेशन के वक्त पढ़ाऊंगा या फिर डाइजेशन के वक्त भी वो रिवाइज हो ही जाते हैं। पॉइंट मेरा ये है कि एचबी से बिलीवर्डीन, हाँ क्वेश्चन नंबर का बिलीरुबिन आगुदर बनतु की बिलीवर्डीन, तो बिलीवर्डीन बनता है उससे बिलीरुबिन बनता है। ये दोनों भी येलोश कलर के पिगमेंट है और ये येलोश कलर के पिगमेंट बाइल में प्रेजेंट होते हैं जो लिवर बना रहा है। बाइल का काम क्या होता है डाइजेशन के वक्त पता चलेगा कि फैट डाइजेशन में बाइल काम आता है और बाइल का कलर येलो होता है क्योंकि उसमें ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन होते हैं। बाइल क्या है, लिवर का सिक्रेशन है जो डाइजेशन में के लिए मदद करता है। वो येलो क्यों है, क्योंकि उसमें बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन है। वो बिलीवर्डिन बिलीरुबिन किससे बने, एचबी से बने। एचबी कहां था, आरबीसी में था। आरबीसी से क्यों निकाला, क्योंकि आरबीसी को ही मार डाला गया। किसने मारा, स्प्लीन ने मारा। क्यों मारा, क्योंकि 120 दिन हो गए थे भाई उसके, आपल्या सारखं नाही ते 100 100 वर्ष शतकाच्या उंबरठ्यावर आल्यानंतर ही ते, तर तसं नाही आहे। 120 डेज के बाद ये जो आरबीसी है वो स्प्लीन में जाके ब्रेक कर दी जाते, उससे हिमोग्लोबिन लिवर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लिवर के जो सेल्स होते हैं हिपेटोसाइट्स, उनमें ये एचबी बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में ब्रेक कर दिया जाता है। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन येलो कलर के पिगमेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके बाइल में आते हैं और बाइल जो है उस बाइल से बाद में डियोडिनम में आते हैं। वो सारी बातें डाइजेशन के वक्त कवर होगी। यहाँ पर वो बाइल में, बाइल इस सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं उसमें स्टोर हो जाता है। ये सारी बातें डाइजेशन के वक्त होगी। यहाँ पे मुझे क्या बताना है, मुझे वो तीनों ऑप्शन डिस्कस करने जो उस क्वेश्चन में थे कि देखो हमने तीन चीजों की बात की कि भाई कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन से CO2 और H2O बन रहे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके ब्लड में, ब्लड से लंग में, लंग से एक्सेल। फैट ब्रेकडाउन जब होगा तो एटीपी के साथ कीटोन बॉडीज बनेंगे, कीटोन बॉडीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके ब्लड में, ब्लड से किधर, ब्लड से गए किडनी में कीटोन यूरिया या फिर लंग्स में एक्सेलेशन। तीसरा एचबी के ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनते हैं, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं। अब आते हैं फिर से एनसीईआरटी पे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। एक्सक्रीशन इज द इलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, इलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ऐसा वेस्ट रिमूव करना है जो क्या क्रॉस करे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करे। जो वेस्ट है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करता, उसको एक्सक्रीशन, ये टर्म अप्लाई नहीं होता। बात छोटी सी है लेकिन क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहां है। होता क्या है कई बार कि, या फिर डायरेक्टली मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं। देखो एक क्वेश्चन आया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटरी वेस्ट। ऑप्शन है CO2, ऑप्शन है कीटोन बॉडीज, ऑप्शन है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन एंड ऑप्शन है स्टूल या फिकल मैटर। स्टूल या फिकल मैटर एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, नोट्स में ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा हुआ भी है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टूल बनता कैसे है, फिकल मैटर बनता कैसे है, जो खाना खाया हुआ है उसमें से स्टमक में कुछ डाइजेशन होगा, उसके बाद हम आए डियोडिनम में, डियोडिनम में फुल ब्रेकडाउन हो जाएगा जेजुनम और इलियम में, जेजुनम और इलियम में चीजें जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। मतलब जेजुनम और इलियम में काफी कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो बचा हुआ मास है यहाँ पे, जो बचा हुआ मास है वो कहाँ पे जा रहा है, सिकम में जा रहा है। दिस इज द सिकम, यहाँ पर बचा हुआ मास आ गया। तो जो डाइजेस्टिव वेस्ट बन कैसे रहा है, फूड जो है ये फूड यहाँ से पास हो रहा है, पास हो रहा है, उसमें से चीजें एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है जेजुनम इलियम में, और जो बचा हुआ है वो इधर सिकम में आया। यहाँ से असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम एंड एनस, याच्यामध्ये कुठेच त्या डायजेस्टिव्ह वेस्ट न सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नाही केलं। ते कसं चाललंय, या कॅनल कॅनल, या कॅव्हिटी 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 ने चाललंय। ओके, जसं आपण वॉटर कुठे एखाद्या वॉटर पार्कला गेल्यानंतर इथून बसलं की सर आणि नंतर टर, तर हे सर जाऊन टर जे होतं त्याच्यामध्ये कुठेच प्लाझ्मा मेम्ब्रेन क्रॉस होत नाही। त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा की हे सर जंतर जे होते इट इज नॉट एन एक्सक्रीशन, इट इज अ इजेशन। क्या है वो, इजेशन है वो, एक्सक्रीशन नहीं है। इतना एमसीक्यू याद करो, इतना एमसीक्यू रट लो कि
रिमूवल ऑफ फिकल मैटर, यानी कि डिफिकेशन इज नॉट एन एक्सक्रीशन, इट इज अ इजेशन. वो क्या है? इजेशन है. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाना है. आता या परत एनसीईआरटी वर. मैंने कहा था कि प्रोटीन के बारे में बाद में बात होगी. प्रोटीन्स के बारे में कहा जाता है कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. दूसरी बात प्रोटीन के बारे में क्या है, देखो हमारे फूड का मेजर कंटेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इनसे बनता है. फैट तो मोस्टली स्टोर होते हैं एज ए रिजर्व फूड, मतलब जब आपको डेली खाना ना मिले तो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट पे चल जाती है. दूसरा कार्बोहाइड्रेट भी एक्सेस अगर हो गए, मतलब ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया तो वो ग्लाइकोजन के बारे में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. आपके मसल्स और आपका लिवर जो है वो इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है. लेकिन प्रोटीन्स 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 कभी भी स्टोर नहीं होते हैं, याद रखना, प्रोटीन्स कभी भी स्टोर नहीं होते हैं. दे आर नॉट स्टोर्ड बाय आवर बॉडी. आपको 10 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है और आपने 100 ग्राम खा लिए तो ऊपर के 90 ग्राम स्टोर नहीं होते. इसलिए एक और एमसीक्यू बता रहा हूं कि कोई अगर इंसान हंगर स्ट्राइक पे है, एमसीक्यू आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि कोई भी इंसान अगर हंगर स्ट्राइक पे है तो जब उपोषण वाला बसलेला है तो किस चीज की डिफिशियंसी उसमें सबसे पहले होगी, तो सबसे पहले उसकी डिफिशियंसी प्रोटीन की होगी. क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर बाहर से नहीं मिलता तो बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है, अगर फैट बाहर से नहीं मिलता तो स्टोर्ड है, लेकिन प्रोटीन स्टोर्ड नहीं होते. जितनी जरूरत है उतने प्रोटीन्स हो जाते हैं, उतने प्रोटीन्स जो है वो यूज कर लिए जाते हैं, बाकी जो है वो स्टोर नहीं होते हैं. तो हमें पता है कि प्रोटीन क्या है. पुरानो प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड की ये चेन होती है. अमाइनो एसिड मतलब क्या? तो मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें एक वेरिएबल ग्रुप हो सकता है, आर ग्रुप जो कुछ भी हो सकता है. उसके बाद एक एसिडिक ग्रुप है COH, उसके बाद एक साइड में हाइड्रोजन है और दूसरे साइड में NH2 है. कई सारे टाइप के अमाइनो एसिड है, बायोमोलिक्यूल टाइप टॉपिक में वो डिटेल हो जाएगा विथ निमोनिक. यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी कार्बन को अगर तीन साइड से NH2, COH और H से तीन फिक्स ग्रुप अटैच है और एक वेरिएबल ग्रुप है आर जो कुछ भी हो सकता है, अल्किल हो सकता है, मतलब मिथिल हो सकता है, इथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, या सिर्फ हाइड्रोजन हो सकता है, या कोई फास्फोरस कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग कुछ भी हो सकता है आर ग्रुप. इट वेरीज फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड, लेकिन बाकी तीन ग्रुप दुनिया के हर अमाइनो एसिड में कॉमन है. वो कौन है? NH2, COH एंड H. COOH है इसलिए उसे कहते हैं एसिड, और NH2 इज अमाइनो इसलिए वो बन गया अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड. तो प्रोटीन ऐसे अमाइनो एसिड की चेन होती है. डाइजेशन के वक्त ये एक-एक अमाइनो एसिड अलग-अलग कर दिए जाते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के समय. अब जितने अमाइनो एसिड की जरूरत है उतने तो यूज हो गए, जो बचे हुए एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड है आपके बॉडी में, बचे हुए एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड है, तुम्ही प्रोटीन खाल्ले, प्रोटीनला तुमच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये अमाइनो एसिड मध्ये तोडलं, मग जे अमाइनो एसिड सगळे अमाइनो एसिड ब्लड मध्ये गेले, ब्लड मधून सेल सेल सेल्स कडे गेले, सेल्स ना जेवढं पाहिजे होते तेवढे घेतले, उरलेले अमाइनो एसिड्स काय आहेत? उरलेले अमाइनो एसिड आहे एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड, शिल्लक राहिलेले अमाइनो एसिड. और कोई भी चीज एक्सेस है तो वो वेस्ट है. ये एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड लाए जाते हैं कहाँ पे? लिवर में. आपके लिवर में ये रिएक्शन हो रहा है जो कम से कम 5 से 6 MCQs कवर करता है. जो रिएक्शन, जो एक सिंगल रिएक्शन में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा वो ऑलमोस्ट तकरीबन 5 से 6 MCQs कवर करता है. तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड मतलब क्या? CHCOOH एंड अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप है. इन एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड का किया क्या जाता है लिवर में? तो लिवर में इस एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड का होता है भाइयों और बहनों डीअमाइनेशन. डीअमाइनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डीअमाइनेशन? तो इसको हटाना यानी कि डीअमाइनेशन, इस अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड से हटा देना इज द डीअमाइनेशन. काय झालंय, कोणाचं काय म्हणणं आहे? हाँ ठीक है, सचिन काय म्हटलंय? सचिन ने ग्लायकोजन केव्हा ब्रेक होत असतं? ज्यावेळेला बाहेरून कार्बोहायड्रेट नाही मिळत आपल्या बॉडीला त्यावेळेला ग्लायकोजन ब्रेक होतं. बाहेरून जेवण नाही मिळालं तर ग्लायकोजन ब्रेक होत असतं. तर बघा तुम्ही,
डी अमाइनेशन मतलब ये अमाइनो ग्रुप हटा दिया, बचा कौन, आर सी एच सी ओ, सॉरी 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 सॉरी, ये तो बचा ही है लेकिन मुझे यहाँ पे लिखना नहीं है उसको, मुझे लिखना है ये रिमूव किया हुआ, ये जो एनएच टू ग्रुप है इस एनएच टू के साथ एक एच ऐड करके क्या दिया गया, एनएच थ्री निकाल दिया गया। एनएच थ्री क्या है, अमोनिया है। अब आप पूछ सकते हो सर इसका क्या है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन का एक स्केलेटन है, हाइड्रोकार्बन है जो बॉडी कहीं पर भी यूज कर सकती है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन कहीं पर भी यूज हो सकता है, रीयूज हो सकता है, अगर उसमें का NH2 निकाल दिया गया तो निकाल दो NH2। NH2 को किस फॉर्म में निकालते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करके NH3 के फॉर्म में निकालते हैं। NH3 क्या है, NH3 इज अ अमोनिया, अमोनिया आहे तो हा जो अमोनिया आहे हा अमोनिया प्रचंड 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 विषारी है, टॉक्सिक है, तो जहरीला है वो, तुमच्या आजूबाजू तुमच्या मित्रांमध्ये असतात ना जहरीले फ्रेंड्स, तर तसा हा अमोनिया पण जहरीला आहे, एकदम विषारी आहे आणि तो बॉडी मध्ये साचवता येऊ शकत नाही, म्हणजे इथे डीअमायनेशन झालं की तो अमोनिया इथं साचतो, अमोनिया साचला की अमोनिया जो आहे तो तुमच्या सेल्सला डॅमेज करू शकतो, म्हणून अमोनिया बनला की लगेच तिथं सुई त्याला बाहेर फेकावं लागतं। ओके, पण मग त्याच्यात प्रॉब्लेम काय आहे, तर प्रॉब्लेम हा आहे की अमोनिया रिमूव्ह करण्यासाठी, आता हे आपण युरिन फॉर्मेशन बघतो बरं का पोरांनो, हा जो टॉपिक आहे हा याच्याविषयी आहे, याच्याविषयी नाही, याच्याविषयी डायजेशन आणि ऍब्झॉर्प्शन आहे, बऱ्याच जणांना एक्सक्रिशन म्हणजे तसंच काहीतरी वाटतं, लक्षात ठेवा हा टॉपिक याच्याविषयी, याच्याविषयी नाहीये, कळालं ना, तर हे डायजेशन ऍब्झॉर्प्शन, हे एक्सक्रिशन, तर वेगळ्या वेगळ्या ऑर्गॅनिझमच्या युरिन मध्ये वेगळे वेगळे सबस्टन्सेस असतात, जसं की इथे अमोनिया आहे, पुढे युरिया असेल आणि त्याच्या पुढे युरिक ऍसिड असेल, काही ठिकाणी ग्वानिन पण असतं पण ते रेअर आहे, तर इथे लक्षात ठेवा बालकांनो, हा जो अमोनिया आहे तो भयंकरच टॉक्सिक आहे, भयंकरच टॉक्सिक आहे, तुमच्या आसपास काही काटे असतात तसे, तर तो इतका विषारी आहे की त्याला लगेच बाहेर सुई फेकून द्यायचं असतं, पण फेकताना पाणी खूप लागतं, प्रचंड पाणी लागतं, आता आपल्याकडे जेवढा दुष्काळ पडतो त्या हिशोबानं तुम्हाला वाटतं जे टेरेस्ट्रियल ऑर्गॅनिझम्स आहेत आपल्याकडे, म्हणजे माणसाला दुष्काळ आहे पण जंगलात जनावरांना पण दुष्काळ असतो, जे जमिनीवर राहतात त्यांना इतकं पाणी शक्य नाही आहे लॉस करणं, ते पण फक्त अमोनिया बाहेर टाकायला, तर ज्यांचे ऑर्गॅनिझम पाण्यात राहतात, जे ऑर्गॅनिझम पाण्यात राहतात ते काय करतात, आता पाण्यातच असते, त्यांना काय पाणी मॅनेज करण्याची गरज आहे, ते ऑलरेडीच पाण्यात आहेत, तर ते पाणी जे आहेत त्यांना पाणी मॅनेजमेंट कडे लक्ष देण्याची गरज नाहीये, तर त्याच्यामुळे ते अमोनिया एक्सक्रीट करतात, पण जे ऑर्गॅनिझम जमिनीवर राहतात, आता काही ऑर्गॅनिझम पाण्यात राहून पण अमोनिया एक्सक्रीट करतात तो भाग वेगळा, ते एक्झाम्पल मध्ये कव्हर होईल, इथं मला हे सांगायचंय ज्यांना पाण्याचा प्रॉब्लेम नाहीये, ज्यांना पाण्याच्या अवेलेबिलिटीचं टेन्शन नाहीये ते अमोनिया एक्सक्रीट करतील, आणि ज्यांना पाण्याच्या अवेलेबिलिटीचं टेन्शन आहे ते काय एक्सक्रीट करतील, तर ते एक्सक्रीट करतील युरिया, हा जो अमोनिया आहे हा अमोनिया ला युरिया मध्ये कन्वर्ट केलं जातं, अमोनियाला युरिया मध्ये कन्वर्ट केलं जातं, कसं, तर असं दोन अमोनियाचे मॉलिक्यूल घेतले जातात आणि ते एका कार्बन डायऑक्साइडच्या मॉलिक्यूल सोबत रिएक्ट करून तिथं बनतो कॉन, बनता है कॉन, तो ये डॉन NH2CO, NH2, NH2CO, NH2 आणि युरिया, आणि ही जी सायकल आहे ही काही सिंगल स्टेप रिएक्शन नाही, मी सायकल दाखवणार आहे तुम्हाला, त्याच्यावर पण एमसीक्यू आहे, तो दो अमोनिया और एक कार्बन डायऑक्साइड एक साथ आ गए तो NH2CO, NH2 बन गया, NH2CO, NH2 म्हणजे युरिया, आणि युरिया अमोनियाचे युरिया मध्ये कन्वर्जन करणारी जी सायकल आहे उसको कहते हैं ऑर्निथीन साइकल, उसको कहते हैं ऑर्निथीन साइकल या फिर यूरिया साइकल, ये हर हर वर्ड एक एमसीक्यू है, हर अल्फाज एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ऑर्निथीन साइकल या यूरिया साइकल। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है जिसको, और वो ट्रिकी क्वेश्चन इतना मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, जिसमें अच्छा क्वेश्चन वो होता है जो बहुत से लोगों का गलत हो जाए, अच्छा क्वेश्चन वो नहीं होता जो बहुत से लोगों का सही आ जाए, अच्छा क्वेश्चन वो होता है जो बहुत से लोगों का गलत हो जाए, और सबसे अच्छा क्वेश्चन वो होता है, या बहुत अच्छा क्वेश्चन वो होता है जो पता होते हुए भी आपको गलती करने पे मजबूर कर दे, और यही यहाँ पे क्वेश्चन वैसा ही फ्रेम होता है, आपको यहाँ पे पता है कि दो अमोनिया के और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक साथ आके NH2CO NH2
बना रहे हैं। क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है कि ऑर्निथिन साइकिल रिमूव्स डैश डैश फ्रॉम द ब्लड। ऑर्निथिन साइकिल्स की वजह से ब्लड से क्या निकलता है? और बहुत से लोग पहला ही ऑप्शन, मैं अगर फ्रेम करूं वो क्वेश्चन, तो मैं पहला ऑप्शन यूरिया डालूंगा और आप में से बहुत से लोग यूरिया ही मार्क कर देंगे। लेकिन उसका सही जवाब है अमून, ऑर्निथिन साइकिल से यूरिया बन रहा है, वो रिमूव नहीं हो रहा। इनफैक्ट यूरिया ब्लड में बढ़ रहा है ऑर्निथिन साइकिल से, यूरिया रिमूव नहीं होता। ऑर्निथिन साइकिल से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक साथ आके यूरिया बना रहे, तो इनकी लेवल क्या होगी? कम होगी। तो ये क्वेश्चन, इसमें ट्रैप मत हो जाना, अब मैंने बता दिया है तो इसमें ट्रैप मत हो जाना। ओके, तो पॉइंट ये है यहां पे कि ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल जो होता है, इसमें इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ आके क्या बना रहे? यूरिया बना रहे। तो यूरिया की लेवल तो ब्लड में बढ़ेगी, लेकिन ये कम हो जाएंगे बॉडी से, तो इसलिए इनका इनकी लेवल कम होती है, याद रखना ये पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई, जहां 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए आधा लीटर पानी चाहिए, 500 ml पानी चाहिए, तो वो वही एक्सक्रीट कर सकते हैं जो पानी में है, जिनको पानी की दिक्कत नहीं है। यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए कंपेयर टू अमोनिया कम पानी चाहिए, तो जो ऑर्गेनिज्म इससे कम, यानी 1 ग्राम के लिए 50 ml के आसपास पानी चाहिए। वन फॉर वन रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया इट टेक्स 50 ml ऑफ वाटर, एंड फॉर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, 1 ग्राम ऑफ यूरिया 50 ml, फॉर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया इट इज 500 ml, आधा लीटर पानी चाहिए, तो 10 गुना काम पानी कम चाहिए। तो जो ऑर्गेनिजम्स ये अफोर्ड कर सकते इतना लॉस, तो वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि इंसान, जैसे कि सारे ही मैमल्स, इंसानों के साथ सारे मैमल्स जो है वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन काही उपेक्षित जनावर असतात, जसं की साप, जसं की कॉकरोच। तुमच्या घरी कधी कॉकरोच आला? पक्ष्यांना पाणी ठेवतो आपण, पण तरी पक्ष्यांचे प्रॉब्लेमच आहेत पाण्याचे। ओके, उन्हाळ्यात आपण बाहेर पाणी ठेवतो, जसं पक्ष्यांना ठेवतो तेवढ्याच आत्मीयतेने आपण सापाला पाणी ठेवतो का? की बाबा, 4 साप येतील आणि पाणी पिऊन जातील, तेवढ्याच आत्मीयतेने आपण कॉकरोचला देतो का पाणी? तर त्यांचे ते जे इन्सेक्ट्स आहेत, ते जे रेप्टाइल्स आहेत, तेवढेच आपल्या भिंतीवर फिरणारे जे वॉल लिझार्ड असते त्याला पाणी पाजतो का? की पाणी घेऊन पळतायत तुम्ही भिंतीकडे की बाबा घे 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 पाणी पी, असं कधी होत नाही। तर मग हे ते जनावर आहेत, ते ॲनिमल्स आहेत ज्यांना पाण्याचा कायम प्रॉब्लम आहे, त्यांना पाणी तितकं पिणं सहज शक्य नाही आहे। उलट सापाला बिळातून निघणे म्हणजे किती जोखमीचं काम आहे ना। ह्या जनावरांसाठी, इन ऑर्गेनिझम के लिए, पाणी पिणं एक जीने मरने का सवाल है। एक साप बाहर निकल रहा है उसके बिल से और उसको पानी पीना है, तो सबसे पहले तो ऊपर से कोई ईगल देख रहा है या कोई दूसरा बर्ड देख रहा है तो वो शिकार हो सकता है। बाहर निकले, पानी पी रहे, पानी में से किसी जानवर ने खींच लिया, वो शिकार हो सकता है। पर दूसरा, सापाचे प्रॉब्लमच वेगळे, ऐकायला येत नाही, कोणी दुसरीकडून सांगितलं अरे बाबा पळ 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 शिकार झाली, होईल कोणीतरी येत आहे, सापाला पकडायला जरी कोणी आलं तर असं हळू दबक्या पावलं आणि त्याला ऐकायला येत नाही। तर असे जे ऑर्गॅनिझम आहे ज्यांना पाण्याचे पाणी पिणं ज्यांच्यासाठी जगण्या मरण्याचा प्रश्न आहे, त्यांची शिकार होऊ शकते, ज्यांना पाणी, त्यांना पाणी कंजर्व करणं प्रचंड 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 गरजेचं आहे, मग ते काय करतात? एवढं पण पाणी लॉस नाही करत, ते काय करतात? तर ते हे करतात, ते या युरियाला अजून एका कमी पाणी लागणाऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतात, आणि तो कमी पाणी लागणारा फॉर्म म्हणजे कॉन, द युरिक ऍसिड। वो कौन है? यूरिक एसिड। कन्वर्जन ऑफ यूरिया टू यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज आइनोसाइनिक पाथवे। आइनोसाइनिक पाथवे कहा जाता है, पूछा जाता है ये भी। तो जैसे जैसे हम अमोनिया से यूरिक एसिड की तरफ बढ़ते हैं, पानी की जरूरत क्या होती है? कम होती है। पानी जो है ते कमी 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 लगता है। ओके, इतना सर्वात कमी, मतलब जहां 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 ml चाहिए, वहां 1 ग्राम यूरिया के लिए 50 ml चाहिए, और वहीं पे 1 ग्राम यूरिक एसिड के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर 1 ग्राम इट टेक्स जस्ट 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वॉटर। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, या फिर एक चार्ट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स का, जिसमें से बहुत से पॉइंट्स एनसीईआरटी के बाहर भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम चीजें दी हुई है, वो देखेंगे भी हम एनसीईआरटी के एनसीईआरटी पढ़ते समय। यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है ऑर्निथिन साइकिल। देखो भाई, ये ऑर्निथिन साइकिल है जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, सिर्फ एक स्टेज जो आपको याद रखनी वही मैं बता रहा हूं।
होता क्या है, CO2 और NH3 एक साथ आके वहां पे ATP यूज होता है, कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है। ये कार्बामोइल फॉस्फेट अंदर आके सिट्रोलिन में कन्वर्ट होता है, सिट्रोलिन और एस्पार्टिक एसिड एक साथ आके आर्जिनो सक्सिनेट बनाते हैं, आर्जिनो सक्सिनेट से फ्यूमरिक एसिड बाहर निकल गया, आर्जिनिन जनरेट होता है वहां पे, आर्जिनिन से ऑर्निथिन कन्वर्जन। या सायकलचा पॉइंट काय लक्षात ठेवायचा आहे तुम्हाला, तर या सायकलचा एकच पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे। मी नोट्स मध्ये पण ती लाईन लिहून दिलेली आहे की क्वेश्चन बनता है कि ऑर्निथिन साइकिल में यूरिया कब बनता है, तो यूरिया तब बनता है जब आर्जिनिन ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो रहा होता है, आर्जिनिन जब ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो रहा होता है तब वहां पे यूरिया बाहर निकलता है, पानी अंदर जाता है और यूरिया बाहर निकलता है। तो यूरिया सिंथेसिस ऑकर्स एट दिस स्टेप, आर्जिनिन से ऑर्निथिन बनते समय। और एक दूसरा पॉइंट, कौन सा एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, तो यहां पर आर्जिनेज नाम का एंजाइम है। आर्जिनेज इज द एंजाइम विच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ आर्जिनिन टू ऑर्निथिन, एंड इसी स्टेप के दौरान वहां पे जनरेट हो रहा है कौन, यूरिया। पुरानो यूरिया तिथे जनरेट होतो, पाठ करून घ्या, आर्जिनिन टू ऑर्निथिन जब बन रहा है वहां पे यूरिया जनरेट हो रहा होता है, यूरिया वहां पे जनरेट हो जाता है। ओके 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 ओके, लाइन भी ले लिए नोट्स पर है। अब हमें बनाना है टेबल कल ही के जैसा। कल काफी बड़ा कंटेंट हमने उस ऑलमोस्ट जस्ट 1 आवर एंड 33 मिनट्स या 34 मिनट्स के लेक्चर में कवर किया, तीनों फैमिलीज उसके एग्जाम्पल के साथ। ओके तो वो याद कर लो। देन अब आगे, ये कौन है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस दुनिया के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके यूरिन में इन तीनों में से ही कुछ एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। उसको एक्सेप्शन मतलब कुछ है, बाकी भी वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिन में से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, लेकिन उतने कॉमन नहीं। दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है उसमें से मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म्स एक तो उनके यूरिन से अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं या यूरिया एक्सक्रीट करते हैं या यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। एक बार रिएक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है, आपके बॉडी में प्रोटीन से आए हुए जो एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड है, जो बॉडी यूज करना नहीं चाहती है, उस अमाइनो एसिड को, उन अमाइनो एसिड को लिवर में लाया जाता है, और लिवर में उनका होता है डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन से इस अमाइनो एसिड से अमोनिया निकाल लिया जाता है और बाकी कार्बन स्केलेटन बॉडी रीयूज कर लेती है। अमोनिया का एक्सक्रीशन जो है वो इमिजिएटली होना जरूरी है, बनल्या बनल्या त्याला बाहेर टाकणं गरजेचं आहे, कारण ते पॉइजनस है, टॉक्सिक है। दुसरा विषय असा आहे की अमोनियामध्ये, अमोनियाच्या एक्सक्रिशनसाठी पाणी फार लागतं, वॉटर फार बहुत लगता है। तो जिनको पाणी की किल्लत नहीं, दिक्कत नहीं, वो अमोनिया एक्सक्रीट कर देंगे, बाकी जो है वो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया ऑकर्स थ्रू ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। और कौन सी स्टेप, आर्जिनिन से क्या बनते समय, ऑर्निथिन बनते समय, एंजाइम कौन सा, आर्जिनेज। और इसमें ये NH3 और CO2 एक साथ आके यूरिया बना रहे हैं, तो ब्लड में से क्या कम हो रहा है, NH3 एंड CO2 कम हो रहे हैं, क्या बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है। तो एक्चुअली ऑर्निथिन साइकिल यूरिया जनरेट करता है, वो यूरिया को रिमूव नहीं करता। उसके बाद जो इतना पानी यानी कितना पानी, 1 ग्राम के लिए 50 ml लॉस कर सकते वो इसको लॉस करेंगे, जो नहीं कर सकते वो उसको और कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका नाम है यूरिक एसिड। यूरिया से यूरिक एसिड बनने का जो पाथवे है, जो साइकिल है, उसका नाम है आइनोसाइनिक पाथवे। और दुनिया के ज्यादातर जानवर इन तीनों में से ही किसी को एक्सक्रीट करते हैं, किस फॉर्म में, मतलब यूरिन के फॉर्म में। तो देखो भाई, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया एज अ मेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एज अ मेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट is called as ureotelism. The process of excretion of uric acid as a main metabolic process, metabolic waste is called as uricotelism. क्या कहा जाता है उसको? Uricotelism कहा जाता है। The process of excretion of ammonia is ammonotelism. यूरिया को एक्सक्रीट करने की प्रोसेस को ureotelism, एंड यहां पर इसे कहा जाता है uricotelism. दूसरा, दूसरी लाइन जो भी कुछ काम की नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी दिया है तो बताना पड़ रहा है यहाँ पे कि द ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट अमोनिया एज अ मेन मेटाबॉलिक वेस्ट आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब ये तो कोई पूछेगा नहीं भाई आपसे कि अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और अगर पूछा गया भी तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई गलत करेगा। और अगर कोई इस टाइप के एमसीक्यू को गलत मार्क करता है तो
तो मेरे पास उसको डिस्क्राइब करने के लिए ऑनलाइन फॉर्मेट में अल्फाज नहीं है। ऑफलाइन होता तो बता देता मैं कि उसको क्या कहते हैं अगर वो इस टाइप के क्वेश्चन को गलत करता है कि भाई अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करेगा। पहले तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, और पूछा जाए तो सबका करेक्ट आएगा, और अगर करेक्ट ना आते हुए किसी का गलत कोई गलत मार्क कर देता है, कोई उसमें कंफ्यूज रहे कि क्या कर सकता है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट, तो आपके जहन में जो पहला थॉट आया है वही मेरे फीलिंग से उस बंदे के बारे में, एग्जैक्टली वही फीलिंग। जो लोग मुझे जानते हैं उनको वो पता है कि क्या वो अल्फाज हो सकता है, बाकी लोग इधर फोकस करो। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको कहा जाता है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। इथे संपले 65 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट 65 है, तो चलो कई एमसीक्यू अगर बनत नहीं आता। दमदार पॉइंट्स, अब आ रहे बाहुबली पॉइंट्स। ओके, अब तक जो थे वो भल्ला पॉइंट्स थे, बल्ला 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 कौन नहीं जरूरत, अब है बाहुबली पॉइंट। बाहुबली पॉइंट में पहला पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है वो जो देवसेना ने बाहुबली को बताया था, क्या बताया था कि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, इट इज हाईली टॉक्सिक। देवसेना ने बाहुबली को कौन सा पॉइंट बताया था कि ये हाईली टॉक्सिक है, तीनों में सबसे ज्यादा पॉइजनस यही है, ये थोड़ा लेस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक है, और वो जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक है। ओके, हाईली टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक। पुढे मग आता जो जेवढा जास्त पॉइजनस बॉडी मध्ये तेवढा जास्त काळ स्टोर होईल का तेवढा कमी काळ स्टोर होईल, व्हाट डू यू थिंक? जो जितना ज्यादा पॉइजनस वो बॉडी में उतनी ज्यादा देर तक स्टोर हो सकता है या कम? जाहिर सी बात है अगर पॉइजन बॉडी में रहा तो वो बॉडी के सेल को डैमेज कर देगा, ये लीवर में है तो लीवर के सेल को डाले मार डालेगा, वो खत्म करेगा या पॉइजनिंग करेगा, या फिर ब्लड में आया तो ब्लड के बाकी सेल्स को अफेक्ट करेगा, बाकी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। तो पॉइंट, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक वो उतना ही कम समय बॉडी में स्टोर होगा। तो स्टोरेज टाइम, इधर मैं टॉक्सिसिटी लिख रहा हूं, पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, टॉक्सिसिटी। दूसरा लिख रहा हूं स्टोरेज टाइम, बॉडी में कितना वक्त स्टोर हो सकता है। तो स्टोरेज टाइम इसका सबसे कम है, लीस्ट, इसका थोड़ा थोड़ी देर तक रख सकते हैं। जैसे कि हम आपल्याकडे असं असतंय का कि युरिन अक्युमुलेट झाली की निघाली, युरिन अक्युमुलेट झाली की निघाली, असं असतंय का नसतंय? तर तसं नसतंय, लेक्चर संपू द्यावं लागतं। ओके, सगळ्या कॉन्सेप्ट नाही तर कॉन्सेप्ट मिस्ड होतील। तर त्याच्यामुळे इथे हे जे आहे हे लिस्ट टॉक्सिक आहे, हे आपण याच्यात येतो, आपल्यात असं असतं का काय विचारलं मी, कारण आपण युरियोटेलिक आहे, थोडाफार वेळ तर स्टोर होईल ना, ते होईल ना स्टोर फार वेळ काही, आता ते ज्याची त्याची चॉईस आपल्याला माहित नाही, पण माझ्या मते नॉर्मल मनुष्य प्राण्याचा थोडाफार वेळ युरिनरी ब्लॅडर मध्ये स्टोर होतो, तसं सगळ्याच मॅमल्स आहे। तर मग हे कुछ देर के लिए स्टोर हो सकता है, युरिन अक्युमुलेशन हो सकता है कुछ देर तक। और जो यूरिकोटेलिज्म है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे ज्यादा टाइम कैन स्टोर, फॉर मैक्सिमम टाइम, स्टोरेज टाइम इज मैक्सिमम फॉर यूरिक एसिड, क्योंकि ये सबसे कम टॉक्सिक है। लीस्ट स्टोरेज टाइम, मोर स्टोरेज टाइम एंड मैक्सिमम स्टोरेज टाइम, लीस्ट मोर एंड मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नाम देते हैं शिवगामी देवी पॉइंट। तो शिवगामी देवी पॉइंट जो है कि 1 ग्राम अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए कितना वहां पे पानी चाहिए। शिवगामी देवी आठवत नसेल कई जणांना, ती आई राजमाता, मेरा वचन ही है मेरा शासन, तर तो पॉइंट है हा। ओके, बाहुबली, बल्लाल देव और देवसेना पॉइंट से सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 1 ग्राम अमोनिया के लिए ऑलमोस्ट आधा लीटर 500 ml पानी चाहिए, 500 ml पानी चाहिए, आधा लीटर पानी चाहिए। 1 ग्राम यूरिया के लिए 50 ml पानी चाहिए, और 1 ग्राम
यूरिक एसिड के लिए 10 ml पानी चाहिए। ओके, तो सबसे कम पानी यूरिक एसिड को लगता है। और एक बात यहां पर ऐड होती है कि यूरिक एसिड वो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो नॉर्मली क्या होता है, यूरिन वर्ड आते ही हम लिक्विड इमेजिन करते हैं, लिक्विडिटी इमेजिन होती है वहां पे, लेकिन यहां पर ये एक्सेप्शन है। द मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिकोटेलिज्म इज द मोड ऑफ एक्सक्रीशन कि जिसमें यूरिक एसिड और एक्सक्रीटरी वेस्ट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पेलेट्स। इन यूरिकोटेलिज्म यूरिक एसिड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर, यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको सॉलिड पेलेट्स के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है। सो 1 gram नीड्स जस्ट 10 ml, सो इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पेलेट्स, सॉलिड पेलेट्स, सॉलिड पेलेट्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है कि यूरिकोटेलिज्म बर्ड्स में होता है। तुम्ही भर उन्हाळ्यामध्ये कुठेतरी गेलात, भर उन्हाळ्यामध्ये कुठेतरी गेल्यानंतर पार तुम्ही 2-2.5 वाजेच्या टायमात तिथे गेलेलात मेच्या उन्हाळ्यामध्ये, आणि कुठेतरी मग तुम्हाला थांबा वाटलं कारण ऊनच प्रचंड होतं, मग तुम्ही एका झाडाच्या गर्द सावलीत बसलेले आहात, वडाच्या पिंपळाच्या झाडाच्या खाली तुम्ही बसले, वडा पिंपळाच्या झाडाखाली तुम्ही बसले आणि तुम्हाला गार वाटते, पण तुमच्या खांद्यावर काहीतरी अजून जास्त गार तुम्हाला वाटायला लागलं की काय असेल, तर खांद्यावर ज्या वेळेला तुम्ही सहज हात टेकला की इथे जास्त गार का वाटते बाकीच्या बॉडीपेक्षा, तर तुमच्या हाताला अचानक असं बटरस्कॉच आणि चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट मिक्स आईस्क्रीम लागते, तर असं लगेच नाही करायचं त्याला, कारण की आईस्क्रीम नसते, तो अटॅक असतो तुमच्यावर झालेला वरतून एका पक्षानं केलेला, तर तो जो अटॅक असतो प्रश्न तिथंच फ्रेम होतोय। तुम्हाला मी काय बोललोय की बटरस्कॉच किंवा व्हाईटिश आणि दुसरं तिथं चॉकलेट फ्लेवर म्हणजे ब्राउनिश असं ते मिक्सचर असतं, और क्वेश्चन फ्रेम होता है कि इन बर्ड ड्रुपिंग्स, बर्ड ड्रुपिंग्स में व्हाइट पार्ट क्या है और ब्राउन पार्ट क्या है, तो याद रखना व्हाइट पार्ट इज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड ब्राउन पार्ट इज अ डाइजेस्टिव वेस्ट। ब्राउन पार्ट क्या है, डाइजेस्टिव वेस्ट है, और व्हाइट पार्ट क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है। ओके, लगेच बटरस्कॉच चॉकलेट म्हणल्यावर आहा घात होईल, घात होईल, आणि आणि कारण उन्हाळ्याचे दिवस असतात तुम्हाला वाटेल कोणतरी आईस्क्रीम, तर तिथं लक्षात ठेवा टाइम मॅनेजमेंट कोणाकडून शिकाव, तर पक्ष्यांकडून शिकाव, ते वेळ वाया न घालवतात 1 नंबर आणि 2 नंबर एकाच वेळी करतात, आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे ते तुम्ही वर पाहिलं की बर्ड तुम्हाला असा करताना दिसेल, ब्रो यो व्हॉट इज दिस, दिस इज द एक्सक्रिटरी वेस्ट अँड दिस इज द डायजेस्टिव्ह वेस्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यूरिक एसिड जो व्हाइट कलर का, और यहाँ पे क्या है, ये ब्राउन कलर का कौन है वो डाइजेस्टिव वेस्ट फिकल मैटर है, तो अजिबात टाइम वेस्ट नहीं करत तस। ओके, तो चलो आगे बढ़ते है। चैतन्य वॉल लिजार्ड मध्ये आएंगे भाई, चैतन्य सब्र का फल मीठा होता है, वॉल लिजार्ड पर भी आएंगे, सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। तो चलो 1 gram 500 ml हे पाठ करून घ्या, शुगामी देवी पॉइंट, 1 gram 50 और 1 gram 10 ml, तो सॉलिड पेलेट्स के फॉर्म में ये एक्सक्रीट होता है, और वो भी पॉइंट लिखना है कि व्हाइट पार्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, और ब्राउन पार्ट जो है ब्लड ड्रुपिंग का वो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, देन अब ये यहां तक पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है, ऐसा लगने लगता है कि यार यूरिक एसिड अच्छा है सबसे, यूरिकोटेलिज्म सबसे अच्छा है, पानी की जरूरत कम, इतना सब कुछ कंजर्व हो रहा है। तो एक चीज समझ लेना कि दुनिया में अगर किसी भी प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं, किसी प्रोसेस का कोई एक एडवांटेज होगा तो उसके साथ उसका डिसएडवांटेज भी रहता है। यहां पर डिसएडवांटेज क्या है, तो हमने देखा है कि यूरिक एसिड बनने के लिए कितने स्टेप्स लगते हैं, देखो 1 और 2 और उसके बाद यूरिक एसिड, या यहां से अगर काउंट करते तो 1, 2 और 3, मतलब अमोनियो एसिड से अगर देखा जाए तो अमोनिया बनने के लिए 1 step है, यूरिया बनने के लिए 2 step है, और यूरिक एसिड बनने के लिए 3 step है। कोई भी केमिकल रिएक्शन देख लो जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ रिएक्शन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। म्हणजे किंवा तुम्ही माझ्याकडे आता इथे मी 1 पाऊल चाललो, समजा आता मी अमायनो ऍसिड आहे, माझं डिअमायनेशन झालं, काय बनला, अमोनिया, काहीतरी एनर्जी लागेल, माझा युरिया बनला, काहीतरी एनर्जी लागेल, त्याच्यानंतर तिसरा टप्पा मी ज्या वेळेला चालेल, तिसऱ्या टप्प्यात ज्या वेळेला मी जाईल त्यावेळेला युरिक ऍसिड बनेल। एनर्जी रिक्वायरमेंट काय होती, एनर्जी जास्त लागते की कमी लागते, एनर्जी जास्त लागते, एनर्जी जास्त लागते, लक्षात ठेवा।
तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है यूरिक एसिड बनाने के लिए सबसे ज्यादा है। साधा है ना रे, तुम्ही एक पायरी चढ़ ले, एक नंबर की पायरी चढ़ ले, कहीं तरी एनर्जी लगे। दूसरे नंबर का स्टेप आप जा रहे हो तो वहां पे और ज्यादा एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कितना, एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, पहली स्टेप के लिए जितना लगा वो प्लस दूसरी स्टेप का उसमें ऐड होगा, तीसरी स्टेप के लिए पहले दो स्टेप का प्लस और ऐड होगा। तो जितने ज्यादा स्टेप्स आप ऊपर जा रहे हो या जितने ज्यादा आप कदम चल रहे हो उतना एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। वैसे ही जितने नंबर ऑफ रिएक्शंस ज्यादा है उतने क्या है, उतना ही यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फॉर यूरिक एसिड प्रोडक्शन, और लीस्ट किसके लिए है, अमोनिया के लिए है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट का पॉइंट होगा अगला, जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट तो ये लीस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट है। पानी यहां पे मैक्स लगता है, एनर्जी लीस्ट लगती है, यहां पर मोर लगता है और यहां पर मैक्सिमम एनर्जी लगती है, मैक्सिमम एनर्जी। अब देखेंगे एग्जांपल्स कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप के हैं। तो भाइयों यहाँ पे सबसे पहले जो बताना है, फ्रॉग्स जो असतो ना पुरानो, फ्रॉग मध्ये डायरेक्ट फ्रॉग नसतो बनत रिप्रोडक्शनच्या दरम्यान, पहिला लार्वा बनतो। तुम्ही पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये जे तालुक्याच्या किंवा छोट्या गावांमध्ये राहतात मुलं, किंवा ज्यांना स्कूल बस हा प्रकार तितकासा नाहीये, जे शाळेपासून सहज घरी येतात आणि रस्त्याच्या काठाला पाणी साचलेलं असतं, त्या पाण्यामध्ये तुम्हाला छोटे छोटे ऑर्गॅनिझम्स बऱ्याचदा दिसतात। ओके, ते जे असतात असं कॉमा टाईप किंवा असं असं काहीतरी तुम्हाला दिसतं त्या पाण्यामध्ये, बऱ्याच ठिकाणी ग्रामीण भागातल्या पोरांना भरपूर माहिती असेल हा प्रकार। तर हे काय असतं, फ्रॉगचा लार्वा असतो, तो टॅडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग डायरेक्टली फ्रॉग नहीं बनता है, पहले लार्वा बनता है और उसके बाद फ्रॉग बनता है। फ्रॉग हमें पता है एम्फीबियन है, मतलब जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, लेकिन जो लार्वा होता है वो प्योरली एक्वेटिक होता है। तो टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग इज अमोनोटेलिक, और उसके जो पप्पा है या मम्मी है, यानी कि अडल्ट फ्रॉग इज यूरियोटेलिक। फ्रॉग के साथ आपको टोड्स भी याद रखना है। टोड फ्रॉग जैसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, टोड या फ्रॉग मतलब वो ऑलमोस्ट सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है। तो यहां पे ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा था, ये क्या है, लार्वा है, और इसमें मेटामॉर्फोसिस होके, इसका जिक्र मेटामॉर्फोसिस का, इस लार्वा का, फ्रॉग का जिक्र कब होगा, जब मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन में थायरोक्सिन पढ़ाऊंगा। थायरोक्सिन के बारे में आपका एक फंक्शन याद होगा कि थायरोक्सिन कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस पर्टिकुलरली इन द एम्फीबियन। तो मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है कि जिसमें लार्वा फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो इस टॉपिक का कॉन्टेंट नहीं है। यहाँ पे मुझे इतना बताना है कि ये जो लार्वा है ये पूरी तरह से एक्वेटिक होता है, ये एम्फीबियन नहीं होता है, और ये अमोनोटेलिक है। इससे फ्रॉग जब बनेगा तो फ्रॉग यूरियोटेलिक हो जाएगा, फ्रॉग जो है वो यूरियोटेलिक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द अमोनोटेलिक और ये क्या है, यूरियोटेलिक। तो फ्रॉग का बच्चा जो है वो अमोनोटेलिक है, फ्रॉग यूरियोटेलिक है। उसके बाद सेकंड, फ्रेश वाटर फिश जो होते हैं, फिश फ्रेश वाटर या जिनका स्केलेटन बोनी होता है, फ्रेश वाटर फिश, ये बोनी फिश जिनका स्केलेटन बोन से बनता है, कार्टिलेज से नहीं बनता, ये फिश क्या है, अमोनोटेलिक है। कारण गोड्या पाण्यामध्ये पाण्याचा प्रॉब्लेमच नसतो, पण जे खाऱ्या पाण्यात राहणारे मासे असतात, जो मराइन वॉटर में रहते हैं, उनको आसपास के कॉन्सेंट्रेटेड वॉटर में जो सॉल्ट से उसका प्रॉब्लम होता है। तो वो पूरा पानी या जरूरत के हिसाब से पानी यूज नहीं कर सकते, वहां पर पानी ज्यादा है, लेकिन वो सलाइन वाटर है, इसलिए मराइन फिश जो है वो पानी कंजर्व करते हैं। वो मराइन फिश भाइयों, वो यानी कि ओशियन में या फिर समंदर में रहने वाले जो फिश है, खाऱ्या पाण्यातले जे मासे, त्यांच्याकडे पाणी जास्त असूनही, जसं दिसतं तसं नसतं, पाणी जास्त असलं तरी तिथं पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, म्हणून ते वॉटर कंजर्व करण्यासाठी युरियोटेलिक है। फ्रेश वॉटर फिश जो है वो क्या होते हैं, वो अमोनोटेलिक है, लेकिन मराइन वाटर फिश यूरियोटेलिक है। अब बात निकली है तो बता ही देता हूं, एनसीईआरटी का जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें ये क्लियर लाइन है कि क्या लाइन है, देखो यहां पे, ये दूसरा पैराग्राफ है एनसीईआरटी का। अमोनोटेलिक
अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्यूबल, रेडिली सॉल्यूबल किसमें, पानी में, अमोनिया एज इट इज रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, वहां पे लिखा नहीं फिर भी बता रहा हूं वहां पे, तो सॉल्यूबल इन वाटर ऐसा है वो, इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेसेस इन फिश एज अमोनियम आयंस, सो किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द इन इट्स रिमूवल. आप सिर्फ लाइन हाईलाइट कर दो, मतलब अभी समझ लेंगे कि मतलब क्या है उस लाइन का. तो मतलब ये है भाई, अमोनिया पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाता है, इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाता है नमक की ही तरह. तो फिश में सपोज ये गिल्स होते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है फिश, जब फ्रेशनेस बघण्यासाठी फिश का हा गिल्स बघितला जातो, तो ये जो फिश है इसके ये गिल्स होते हैं ओके. और यहाँ पे ये क्या दिख रहे हैं, किडनीज दिख रहे हैं, किडनीज ओके, गिल्स है यहाँ पे, किडनीज है, उसके बाद बाकी ऑर्गन से हमें आज तो लेना देना है नहीं. पॉइंट क्या है कि अमोनिया जो बना है इस फिश के बॉडी में वो उसके स्किन के सरफेस से बाहर निकल जाता है काफी सारा अमोनिया, क्योंकि फिश में स्किन परमिएबल होता है, हमारा स्किन परमिएबल नहीं है, हमारे स्किन में बाहर से पानी या अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आ जा सकता. तुम्हें पानी हाथ बुड़ोला कि तुम्हारा हाथ बाहर काट डाला, सब पिलून काढ़ा लगता तो का पानी आ जाता का नहीं जाता, कारण आपकी स्किन इम्परमिएबल है, बट फिश की जो स्किन है वो परमिएबल है, उससे आयंस और बाकी चीजें एक्सचेंज की जा सकती है एनवायरमेंट के साथ. तो काफी सारा जो अमोनिया है वो अमोनियम आयन के फॉर्म में इस स्किन से एक्सक्रीट होता है, यहां से एक्सक्रीट हो जाता है ओके. एक अमोनियम आयन के फॉर्म में ये एक्सक्रीट हो रहा है. दूसरा ये जो गिल्स है जो कि एक्चुअली रिस्पायरेटरी ऑर्गन है ये गिल्स, तो ये गिल्स भी काफी ज्यादा अमोनियम आयन्स को एक्सक्रीट कर देते. तो फिश में बनने वाला जो अमोनिया है वो गिल्स और स्किन से ही काफी हद तक रिमूव हो जाता है, इसलिए किडनी का उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है अमोनिया के एक्सक्रीशन में, किडनीज का रोल सिग्निफिकेंट नहीं है, याद रखना ओके. ये डायग्राम भी याद रखना और वो पॉइंट भी याद रखना. चलो सो किडनीज डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ व्हाट, द रिमूवल ऑफ अमोनिया. क्यों, क्योंकि अमोनिया स्किन और गिल से ही निकल जाता है काफी हद तक. आगे बढ़े, इसके अलावा इधर कौन एग्जाम्पल है, तो इसके अलावा है एक्वेटिक इंसेक्ट, पानी में रहने वाले इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस. अब इस पर कुछ लोगों का सवाल जनरेट हो सकता है कि भाई वो तो एम्फीबियंस है, आप वो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते, तो फिर एक्वेटिक क्यों लिखा, क्योंकि मैं इधर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी लिखने वाला हूं. तो एम्फीबियन के बारे में ये सच है, आपका जो डाउट है वो पूरी तरह से वैलिड है कि भाई एम्फीबियंस कुछ जमीन में मतलब एम्फीबियन कैन सर्वाइव ऑन लैंड एंड इन वाटर साइमल्टेनियस, मतलब वो दोनों जगह रहने के लिए एडेप्टेड है सारी चीजें उनमें ओके, दे कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, बट द एम्फीबियंस व्हिच स्पेंड देयर मैक्सिमम टाइम इन वाटर आर एक्वाटिक एम्फीबियंस, व्हाइल दोज व्हिच स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑन द लैंड आर द टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, दे आर कैपेबल टू सर्वाइव इन बोथ द हैबिटेट्स, दोनों हैबिटेट्स में सर्वाइवल के लिए कैपेबल है, लेकिन ज्यादातर वक्त जमीन पे स्पेंड करने वाले टेरेस्ट्रियल है और ज्यादातर वक्त पानी में स्पेंड करने वाले एक्वेटिक एम्फीबियन है. तो एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये क्या है, ये है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. साथ ही साथ जो एनसीईआरटी में है लेकिन इस टॉपिक के कंटेंट में नहीं है, उस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपका हाइड्रा, आपका अमीबा जो आप दिमाग में ही नहीं लेते हो कभी भी, और पैरामिशियम, सवाल पूछ सकते इस पे क्योंकि अमीबा पैरामिशियम डिटेल है आपको, हाइड्रा भी डिटेल है किंगडम एनिमिलिया में, और अमीबा पैरामिशियम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं. तो ये तीनों के तीनों अमोनोटेलिक है क्योंकि वो एक्वेटिक है. तो यहाँ पे हाइड्रा, अमीबा और पैरामीशियम. इसके बाद क्या, इसके बाद याद करना है यूरियोटेलिज्म कौन दिखा रहा है, यूरियोटेलिक कौन दिखाते, तो हम यानी कौन, कौन है हम है मैमल्स, मैमल्स सस्तन प्राणी जिनके फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, बॉडी पर हेयर होते हैं, कान बाहर होते हैं, और वो जो विवीपैरस होते हैं यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं, एक्सेप्ट कौन, प्लैटिपस अकेला मैमल है जो किंगडम एनिमिलिया में कवर होगा, कि प्लैटिपस ऐसा अकेला मैमल है जो अंडे देता है, जो ओवीपैरस है, बाकी सारे मैमल्स प्लैटिपस छोड़ के कौन है वो,
पैरस है, और मैमल जो होते हैं जिसमें हम आते हैं ह्यूमन। साथ ही में एक और चीज लिखने वाला हूं, कैमल। कैमल भी मैमल है। तो हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हमारी यूरिन में। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ह्यूमन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम होता है और आपको वो उस वक्त ये आप देख देख कर आपको रट जाता है कि वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम मैमल है और यूरोटेलिक है। दूसरा, कैमल क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करते समय ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि भाई ये कैमल है, बहुत दिनों से उसको पानी नहीं मिला है, तो वो उसकी यूरिन में क्या एक्सक्रीट करेगा। याद रखना, कैमल जो होते हैं उनमें दो चीजें, मतलब उनमें वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे एडेप्टेशन है, जैसे कि ये हम्प है जिसमें कुछ सेल्स में पानी स्टोर किया जा सकता है। कैमल जो है वो सेल्स का साइटोप्लाज्म भी पानी की जगह यूज कर सकता है, एज अ वाटर, मतलब साइटोप्लाज्म से पानी डिराइव कर सकता है। उसके बाद कैमल का लूप ऑफ एनले, इसी टॉपिक में जब मैं आगे बढ़ूंगा, नेफ्रॉन पढ़ूंगा, तो कैमल का जो लूप ऑफ एनले है वो लॉन्ग होता है टू कंजर्व द वाटर। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए कैमल के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, कैमल के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इसलिए वो यूरियोटेलिज्म नहीं छोड़ रहा है क्योंकि वो मैमल है। बाकी उसके पास कई सारे एडेप्टेशन है, इसलिए भावनाओं में मत बह जाना। ओके, देन सचिन, सचिन तू बेटा दोनों गलत कर दिया वहां पे। कॉन्वेक्स आरसीबी नहीं, तुझे आरबीसी बोलना है। आरसीबी ते आईपीएल जास्त बघण्याचे लक्षण थे, कॉन्वेक्स आरसीबी लिख रहा है वो। और दूसरी बात, तुझे कॉन्वेक्स नहीं लिखना था, तुझे न्यूक्लिएटेड आरबीसी लिखना था। वो पॉइंट भी कवर होगा सर्कुलेशन के वक्त कि बाकी सारे मैमल्स के आरबीसी जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन कैमल का और एक दो एग्जांपल है उनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्यों होते हैं, जब आरबीसी पढ़ाऊंगा तब कवर करूंगा। उसमें भी पानी से रिलेटेड ही वो एक एडेप्टेशन है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी क्यों होते हैं, तो वो स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन सारी स्टोरियां एक ही वक्त नहीं पढ़ाई जाती है। त्याला लिहायचं होतं न्यूक्लिएटेड आरबीसी सर तिथं, पण त्यांनी लिहिलं काय, कॉन्वेक्स आरसीबी। तर यावर्षी जिंकू लागली आहे टीम, म्हणून फॅन फॉलोइंग भरपूर वाढली आहे। असो, आपली टीम कधीच नाही हरत, कायम जिंकते। चलो, मॅमल्स युरिया, तुम्ही नका टाइमपास करू रे याच्यामध्ये। ओके, हे काय नसतंय, अंधश्रद्धा आहे, पुढच्या वर्षी सुरू असतंय, म्हणजे आता एक वेळेला तुम्ही अजून हा वेळ गेला, निघून गेला की तुम्ही सगळ्या गोष्टी बघायला निवांत। मेडिकल कॉलेजला मस्त हॉस्टेलवर आपल्या मोठ्या फ्रेंड सर्कल सोबत मॅचेस बघायच्या, त्याच्यासारखी मजाच नाही आहे कि पॅरलली तुमचं एमबीबीएस सुरू आहे, आयपीएलच्या वेळेला आयपीएल सुरू आहे, आयपीएल संपलं की लगेच बाहेर खेळायचं तिथं, तर हे सगळं मेडिकल कॉलेजला गेल्यावर। तोपर्यंत एकदम याच्यासारखं काय, वैराग्यासारखं आयुष्य जगायचं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर माया या सगळ्यांपासून विरक्त होऊन फक्त आणि फक्त काय, अभ्यास, मैं और मेरी किताबें, फिर क्या दिन और क्या रातें। ओके, सो माझी टीम का, अरे आपलं तसंच नसतं, आपली टीम मॅच त्या स्कोर कार्ड वर ठरते, जी टीम टॉपला त्या टीमला आपला सपोर्ट असतो। टीमचा अंदाज लावतात, जी टीम टॉपला जेवढे दिवस टॉपला त्याला आपला फुल सपोर्ट, त्याच्यानंतर टीम खाली आली दुसऱ्या टॉपच्या टीमला, डोक्याला ताण, दुःख आयुष्यात बाकीचे दुःख कमी करे, त्या टीम खाली वर गेल्यानंतर तुम्ही स्वतः त्रस्त होण्याला। टीम टॉपला तोपर्यंत त्याला सपोर्ट, टीम खाली आली दुसऱ्या टॉपच्या टीमला सपोर्ट, सगळे आपलेच तर प्लेयर आहेत ते। ओके चलो, तो मॅमल्स युरिया, ह्यूमन और कैमल उसके मेंबर है, बाकी मैमल्स तो है ही, लिखने का रीजन ये है कि इस पर क्वेश्चन फ्रेम अलग से होते, सेपरेटली होते। उसके बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जिसमें स्नेक आते हैं, जिसमें एक और वर्ड याद रखना है, लिजार्ड। लिजार्ड क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन बने हैं इस पे कि लिजार्ड वर्ड यूज करके काफी ज्यादा बार क्वेश्चन बने हैं, बाकी कुछ खास रीजन नहीं है क्वेश्चन लिजार्ड लिखने का। तो ये जो लिजार्ड है और ये स्नेक, दोनों स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, साथ ही साथ बाकी रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल छोड़ के, क्रोकोडाइल छोड़ के, क्यों, क्योंकि बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा क्रोकोडाइल का क्या है। तो लिजार्ड और दूसरा क्या है, स्नेक, ये यूरिकोटेलिक है, यूरिको, जस्ट अ मोमेंट, क्या चल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अपन यूरियोटेलिज्म मध्ये ना, मीच भावनेत वाहलो होतो, हे युरिकोटेलिज्म चे। चलो, इधर कौन लिखना है मुझे,
इधर मुझे लिखना है एक्वेटिक रेप्टाइल्स, नॉट द लैंड रेप्टाइल्स. हाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्वेटिक रेप्टाइल्स जैसे के टर्टल, टर्टल एंड टॉर्टॉइज के जे अगोदर लिहिलं होतं ते युरिकोटेलिझमचं आहे. तर टर्टल आणि टॉर्टॉइज काय फरक आहे, टर्टल आणि टॉर्टॉइज दोघांनाही तुम्ही पाठ करता दोघही कासवे, दोनही कछवे पता होता है, याद रखना भाइयों और बहनों. टर्टल जो है ये टर्टल है और ये टॉर्टॉइज है, तो दोनों रेप्टाइल्स है, दोनों यूरियोटेलिक है, और इसमें से जो टर्टल है वो पानी में रहने के लिए बना है और जो टॉर्टॉइज है वो जमीन पे रहने के लिए बना है. ओके, तो देखो यहां पर इसके पैर है और इसके जो लिम्स है वो ऐसे फैले हुए हैं, मतलब फ्लिपर्स की तरह है, ये एडेप्टेशन है पानी में तैरने के लिए. तो टर्टल और टॉर्टॉइज जो है वो किस में आते हैं, वो यूरियोटेलिज्म में आते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं वो. देन आगे बढ़े. ओके, और बाकी एक्वेटिक रेप्टाइल्स, एक्वेटिक रेप्टाइल्स लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्रोकोडाइल जो आएगा वो एक एमसीक्यू लेके आएगा. सो मैमल्स लाइक ह्यूमन एंड कैमल, टर्टल टॉर्टॉइज, एक्वेटिक रेप्टाइल्स, उसके बाद मतलब टर्टल एक्वेटिक ही है, उसके बाद फ्रॉग मैंने लिख दिया है, मराइन फिश मैंने लिख दिया है. अब आगे बढ़ते हैं लास्ट में यूरिकोटेलिज्म में. यूरिकोटेलिज्म समाजात ने ज्या एनिमल्स ला उपेक्षित ठेवलंय, ज्यांच्याकडे समाजाचं तितकं लक्ष नाही, जसा कुत्रा तुम्ही असा एकदम गुंडस कुत्रा पाळतात तसा साप तुम्ही पाळत नाही, म्हणून ज्यांना पाणी पिण्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत, ज्यांना पाणी मिळत नाही, असे सगळे जे आहेत ते इकडे येतात. इकडे म्हणजे कुठे, तर युरिको टेलिझम मध्ये येतात, ज्यांचे पाण्याच्याच अडचणी, पाणी पिण्याच्याच अडचणी. तो सारे टेरेस्ट्रियल इन्सेक्ट जसे की कॉक्रोच या फिर ग्रास होपर, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स जिसमें कौन आता है, कॉकरोच आता है, जिसमें कौन आता है, इसमें ग्रास होपर आता है. तो ये टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स है जो क्या एक्सक्रीट करते, यूरिक एसिड. उसके बाद लैंड रेप्टाइल्स या टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल जो मैंने अभी लिखा था, जैसे कि लिजार्ड, जैसे कि सांप. आता सांप जे असतील पुरानो, मी तुम्हाला म्हटलं की कुत्रा जसा पाळता तसं सापाचं असतं का, की चालले तुम्ही तुमचा साप बाहेर घेऊन मॉर्निंग वॉकला, इव्हिनिंग वॉकला, होते का तसं असं सरपटत सरपटत, तुम्ही पण सरपटत साप पण, तर तसं होत नाही, तसं होत नाही कारण तुम्हाला माहितीये. तर हा जो लिझार्ड आणि स्नेक आहे किंवा असेच बाकीचे जे रेप्टाइल्स आहेत ज्यांचे पाण्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत, पाणी प्यायला जाणे म्हणजे जगण्या मरण्याचा प्रश्न आहे, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल आहे, वो इसलिए लँड रेप्टाइल जो है वो पानी कंजर्व करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं. देन इसके बाद लैंड स्नेल, लैंड स्नेल. ओके, कौन है ये लैंड स्नेल? ये है लैंड स्नेल. बघितला असेल ना प्रकार, बघितलाय का? सो ये जो लैंड स्नेल है ये क्या है, ये यूरिकोटेलिक है, ये यूरिकोटेलिक है. लिजार्ड, वो कोई भी लिजार्ड हो, वॉल लिजार्ड हो, गार्डन लिजार्ड हो, म्हणजे आपली पाल असो की सरडा असो, ये लिजार्ड जो है बघा त्याची पोज, याला म्हणतात पोज. तो देखो ये जो लिजार्ड है, ये जो मॉडल लिजार्ड है, ये क्या है, ये यूरिकोटेलिक है, ये यूरिकोटेलिक है. देन यहां पर खत्म होते हैं कौन, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट खत्म होते हैं, बर्ड्स, पक्षी, बर्ड्स जो है वो यूरिकोटेलिक है. बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स यो करते हैं, यो ब्रो. ओके, दोनों होता है उसमें. देन अब एक और जरूरी पॉइंट, हम भले ये कह रहे हो कि यो ये पॉइंट जो है वो मैंने लोकोमोशन के वक्त भी बताया था कि हम जो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करती है, हम मोस्टली यूरियोटेलिज्म में आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में यूरिक एसिड भी बनता है स्मॉल क्वांटिटी में, छोट्याशा प्रमाणात यूरिक एसिड आपल्या बॉडीमध्ये बनतं. कसं बनतं, तर आपल्या बॉडी दररोज कितीतरी सेल्स ची डेथ होत असते, बहुत सारे सेल्स की हमारे बॉडी में हर रोज डेथ होती है, जिसमें सेल्स डेथ होगी सेल की, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी डिकम्पोज होगा, उसके अंदर जो डीएनए उसका भी ब्रेकडाउन होगा, और डीएनए में हमें पता है प्यूरीन और पाइरिमिडीन होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं,
ये प्यूरिन बायोरिमेडियन क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्यूरिन के ब्रेकडाउन से हमारे बॉडी में हर रोज यूरिक एसिड जनरेट होता है और हमारे यूरिन में से वो बाहर भी निकलता है। अगर अगर मैं कहूं कि किसी वजह से, किसी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा हो गया, तो वो यूरिक एसिड आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है, और यूरिक एसिड ब्लड में एक्यूमुलेट होने के बाद वो डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स में, और जॉइंट्स में डिपॉजिट हो गया तो वहां पे होता है गाउट, या जिसे गाउटी आर्थराइटिस, जॉइंट्स इन्फ्लामेशन होता है, जॉइंट्स असे मूवमेंट करायला पेनफुल होऊन जातात, त्याला काय म्हणायचं, गाउट या गाउटी आर्थरायटिस, गाउटी आर्थरायटिस येते, गाउटी आर्थरायटिस नाहीये। हा मला माहिती, काही जणांना तेच आठवलं असेल, तो गाउट। और दूसरा, अगर वो यूरिक एसिड किडनी में चला जाए तो किडनी में होते हैं किडनी स्टोन्स, तर किडनी स्टोन्स वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींपासून बनलेले, हा पॉइंट याच टॉपिकच्या एंडला रिपीट होईल, पण किडनी स्टोन्स हे युरिक ऍसिडचे पण असतात, बाकीच्याही गोष्टींचे असतात, जसे की कॅल्शियम फॉस्फेट, कॅल्शियम ऑक्सालेट, पण तो टॉपिकच्या एंडला। जॉइंट्स मध्ये युरिक ऍसिड डिपॉझिट झालं की काय होतं रे, गाउट होतो, इथे संपलंय काय हे सगळं, हा मेन चार्ट जो की एनसीईआरटी मध्ये एकच पॅरेग्राफ आहे, पण ते एवढं सगळं आहे, एवढे सगळे एमसीक्यूज त्याच्यामध्ये लपलेले आहेत। तर आजचं लेक्चर संपतंय, फक्त कोणीच 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 थांबणार नाही आहे, म्हणजे कोणीच तिथं पॉज नाही करणार आहे, वरतून खालपर्यंत जे झालंय ना ते एक वेळेला बघा, लगेच चालले मोबाईल बंद करायला, हा संपले, मॅच सुरू झाली असेल, बघा 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 कुठपर्यंत आलो रे। इथूनच आहे, आपल्या बॉडीमध्ये एव्हरी ॲनिमल, नॉट जस्ट ह्युमन बीइंग, एव्हरी ॲनिमल अक्युम्युलेट्स अमोनिया, युरिया, युरिक ऍसिड, या पहिल्या लाईन एनसीईआरटी का, एव्हरी ॲनिमल अक्युम्युलेट्स अमोनिया, युरिया, युरिक ऍसिड, सीओ टू, वॉटर, सोडियम, पोटॅशियम, फॉस्फेट, सल्फेट। एक चीज और याद यहाँ पे ऐड करना है, इनफैक्ट एक्सेस ऑफ हॉर्मोन्स भी, वेस्ट है। तो ये सारी चीजें है जो है वो वेस्ट है, इसमें से कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जनरेट हुए हैं और कुछ एक्सेस इंजेशन, एक्सेस अंदर लेने से जनरेट हुए हैं। उसके बाद हम जो खाना खाते हैं ये कैसे जनरेट हो रहे हैं वो देखना है। हम जो खाना खाते हैं, कुछ भी हो, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कहीं खाता सुधा, त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट हे मेजर बल्क फॉर्म करतात। त्यापैकी माता, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जा रहे हैं और ब्लड से बॉडी के अलग अलग सेल्स को जा रहे हैं। बॉडी के जो अलग अलग सेल्स है, ये क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहा है भाई, उद्या उद्याच्या लेक्चरच्या सुरुवातीला अनिरुद्ध आणि आरती, कारण मला ते अजून डाउनलोड करायचं आहे, म्हणजे आता उशीर झाला म्हणून नाही, म्हणत माझ्याकडनं ते डाउनलोडच नाही झाली ती साईट। ओके, तर उद्याच्या लेक्चरची सुरुवात मी तुम्हाला हे करेल, ते पूर्ण डाउनलोड नाही झालेले खालचे पॉइंट्स। ओके एकच पेज आहे तेवढं, जेवढं तुम्हाला मी दाखवतोय ना, पूर्ण टॉपिक उद्या घेतो आणि सुरुवात टॉपिकची एनसीईआरटीचे पॉइंट हायलाइट करून देईल रे। तर कार्बोहायड्रेट, जो आहे तो ब्रेक होऊन कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर जनरेट होतो आणि तिथे तिथे एटीपी पण जनरेट होते। ये वेस्ट आहे, ये यूजफुल आहे। गाडीत पेट्रोल टाकलं, डिझेल टाकलं, धूर निघतो, हा पण धूर आहे। काही जण म्हणत असेल सर गाडीच काय, पुढचं वाक्य तुम्हीच कम्प्लीट करून घ्या, सीओ टू आणि एच टू ओ हे इथून प्लाझ्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करून ब्लड मध्ये येतात, आणि धुराविषयी बोलतोय तर फॅट हे चेंज केलं की फॅट ब्रेकडाऊन, फॅट ऑक्सिडाइज झाला की तिथे किटोन बॉडी जनरेट होतात, ते पण वेस्ट आहे। प्लाझ्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करून आलं, हिमोग्लोबिन आणि हिमोग्लोबिनच्या ब्रेकडाऊन पासून, म्हणजे आरबीसी 120 दिवस जगतात, ते स्प्लीन मध्ये आल्या की तिथं स्प्लीन मधनं काय होतं रे, एचबी जे आहे ते एचबी लिव्हर मध्ये टाकलं, लिव्हर मध्ये त्याचं बिलिरुबिन, बिलिव्हर्डिन बनलं। हे सगळे प्रोडक्ट्स रिमूव्हलच्या वेळेला काय टाकतात बाहेर, तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करतात, म्हणून ते एक्सक्रिशन आहे। पण डिफिकेशन इज नॉट एन एक्सक्रिशन, पोरांनो, ते जस्ट इजेशन आहे, कारण तिथे कुठेच प्लाझ्मा मेम्ब्रेन क्रॉस होत नाही, बिकॉज एक्सक्रिशन इज इलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। उसके बाद हमने क्या देखा, प्रोटीन का मेटाबोलिज्म। तो देखो, एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन होकर अमोनिया बन रहा है, ऑर्निथिन साइकल या यूरिया साइकल से वो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है, आइनोसाइनिक पाथवे से वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है।
अमोनिया के एक्सक्रीशन को अमोनोटेलिज्म कहा जाता है और ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक कहा जाता है। यूरिया के एक्सक्रीशन को यूरियोटेलिज्म कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक कहा जाता है। यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को यूरिकोटेलिक कहा जाता है, यूरिकोटेलिज्म कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। दोनों 5 पॉइंट कवर झाले। आता बल्ला बल्ला बाहुबली देवसेना बाकीचे पॉइंट्स असे महत्त्वाचे आहेत। ओके, तो ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, बाकी टॉक्सिसिटी कम होती जाएगी। पार्ट असा टेबल नहीं करायचा, मैक्सिमम पार्ट करून टाकायचा। अमोनिया मैक्सिमम टॉक्सिक है मग कमी, आणि यूरिक एसिड सर्वात कमी। तो बॉडी में ज्यादा टॉक्सिक है तो बहुत कम समय तक उसको रखा जा सकता है, तो लिस्ट टॉक्सिक है फिर टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, सॉरी लिस्ट लिस्ट टाइम स्टोर किया जा सकता है, या हाईली टॉक्सिक है तो बॉडी में सबसे कम समय तक स्टोर किया जा सकता है, समय बढ़ता जाएगा। ज्यादा समय, सबसे ज्यादा समय। पानी की जरूरत है 1 ग्राम के लिए 500 ml, आधा लीटर, 1 ग्राम के लिए 50 ml और 1 ग्राम के लिए 10 ml। इतना कम है कि ये सॉलिड पेलेट्स के फॉर्म में रिमूव होता है, याद रखना। ओके, तो यूरिक एसिड यूरिकोटेलिज्म आया तो ओके। देन एनर्जी की रिक्वायरमेंट, सारी चीजें एडवांटेजेस नहीं होती है हर बार। यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि ये सबसे सबसे कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। जैसे स्टेप्स बढ़ेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। एग्जांपल बहुत जरूरी है, लार्वा फ्रॉग का अमोनोटेलिक है, अडल्ट फ्रॉग और टोड यूरियोटेलिक है। देन फिश फ्रेश वाटर या बोनी अमोनोटेलिक है, मराइन फिश यूरियोटेलिक है। एक्वेटिक इंसेक्ट एक्वेटिक एम्फीबियन हाइड्रा अमीबा पैरामिशियम ये क्या है, अमोनोटेलिक है। अमोनिया के एक्सक्रीशन में फिश में जो अमोनिया एक्सक्रीट होता है वो स्किन या गिल से निकल जाता है, इसलिए किडनी का सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। इधर क्या है, मैमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं जिसमें कैमल भी आता है, टर्टल टॉर्टोइस बाकी एक्वेटिक रेप्टाइल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच ग्रास ओपर, लैंड रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड स्नेक लैंड स्नेल बर्ड्स ये सब कुछ यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। हम भले यूरियोटेलिक हो लेकिन हमारे बॉडी में भी प्यूरिन ब्रेकडाउन से थोड़ा सा यूरिक एसिड जनरेट होता है, जो जॉइंट अगर किसी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये जनरेट होना, ये जो जनरेट हुआ यूरिक एसिड है वो जॉइंट और किडनी में डिपॉजिट होता है, किडनी में गया तो किडनी स्टोन, जॉइंट में गया तो आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलो भाई टाटा। हाँ, एक पॉइंट मी जो सांगायचा राहिला होता तुम्हाला, मी बोललो तो क्रोकोडाइल मी नंतर शेवटी क्लीन, तो याद रखना एक एमसीक्यू है, अर्थवर्म अर्थवर्म और क्रोकोडाइल ऐसे हैं, अर्थवर्म और क्रोकोडाइल ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन करते हैं। ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन मतलब अगर पानी है तो अमोनिया और पानी नहीं है तो यूरिया। जैसे कि क्रोकोडाइल पानी में है तो अमोनिया और पानी के बाहर बाहर तो उन खायला आलेला है यूरिया। तो ये ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन करते हैं, वाटर अवेलेबल है तो अमोनिया और नहीं है तो यूरिया। एमसीक्यू याद रखना। टाटा बाय बाय।